हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को पैदा हुए बच्चों का नाम, राशि, नक्षत्र, पाया, पक्ष, राशिफल, गंडमूल दोष है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 21 मार्च को सुबह 12 बजे से सुबह 5:19 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया होगा रजत, नक्षत्र रहेगा श्लेषा नक्षत्र पहला चरण, राशि रहेगी कर्क, जन्म अक्षर रहेगा डी। अगर आपके बच्चे का जन्म 21 मार्च को सुबह 5:20 से दोपहर 12 बजे तक हुआ है तो बच्चे का पाया होगा रजत, नक्षत्र रहेगा श्लेषा नक्षत्र दूसरा चरण, राशि रहेगी कर्क, नाम का पहला अक्षर डू। अगर आपके बच्चे का जन्म 21 मार्च को दोपहर 12:01 से शाम को 6:43 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया होगा रजत, नक्षत्र रहेगा अश्लेषा नक्षत्र तीसरा चरण, राशि रहेगी कर्क, जन्म का अक्षर रहेगा डे। अगर आपके बच्चे का जन्म 21 मार्च को शाम को 6:44 से 22 मार्च की सुबह 1:27 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया होगा रजत, नक्षत्र रहेगा श्लेषा नक्षत्र चौथा चरण, राशि रहेगी कर्क, जन्म अक्षर डो। 21 मार्च को पैदा होने वाले बच्चों में गंडमूल दोष रहेगा, 21 मार्च को पूरे दिन गंडमूल दोष का प्रभाव रहेगा, पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। जय श्री कृष्ण।